किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनपोजेब 63% WP सिस्टेमिक और कंटैक्ट फंगिसाइड के बारे में। और यह जो है एक ऐसा टेक्निकल है जो किसानों के बीच में जो है दशकों से काफ़ी नामी है। इसका इस्तेमाल जो है अपनी सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं और कंपनियां जो है इसे अलग अलग नाम से जो है किसानों को उपलब्ध कराती हैं। जैसे SPM जो है स्टफ नाम से उपलब्ध कराती है किसानों को, और वहीं नागार्जुना जो है इसे कम्बी प्लस के नाम से किसानों को उपलब्ध कराती है। वहीं UPL जो है साफ नाम से जो है इस टेक्निकल को किसानों को उपलब्ध कराती है। और साफ जो है किसानों के बीच में जो है काफ़ी पॉपुलर फंगिसाइड है और किसान जो है साफ का इस्तेमाल जो है अपनी सभी तरह की फसलों में करते हैं। तो अब जानते हैं कि यह कौन कौन से रोगों को जो है यह कंट्रोल करता है। तो यह जो टेक्निकल है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनगोजेब 63%, तो यह जो है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू, ब्लैक स्कर्ब, शीत रॉट, ब्लैक रॉट, फल सड़न, जड़ गलन, तना सड़न और एंथ्रेक्नो जैसे बीमारियों को भी जो है कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। और इसका इस्तेमाल जो है अपनी सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप धान की खेती करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल धान में भी कर सकते हैं, गन्ना की खेती करते हैं तो गन्ना में भी कर सकते हैं, यदि कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं तो आप सब्जी वर्गीय फसल में भी जो है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनपोजेब 63% का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यदि आप दलहनी फसल लगाते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। वही यदि आप बागवानी की खेती करते हैं जैसे आम लगाए हुए हैं, अनार लगाए हुए हैं, नींबू की फसल ले रहे हैं तो उसमें भी जो है आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनपोजेब 63% का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जो है काफ़ी बेहतर टेक्निकल है और यह सिस्टेमिक और कंटेक्ट दोनों बेस पर काम करता है। जैसे ही आप किसी फसल में जो है इसका स्प्रे करते हैं तो यह पूरी तरह से जो है पत्तियों पर फैल जाता है और पत्तियों के द्वारा जो है इस टेक्निकल को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर अवशोषित कर लिया जाता है और यह जो है पौधे के पूरे बॉडी में फैल जाता है, यानी कि पूरे सिस्टम में फैल जाता है। और यह जो टेक्निकल है अंदर से भी फफूंद को मारने का कार्य करता है और बाहर से भी फफूंद को मारने का कार्य करता है, यानी कि यह जैसे ही फफूंद के संपर्क में जो है यह टेक्निकल आता है तो फफूंद को जो है मार के ख़त्म करता है। वहीं यदि यह फफूंद के संपर्क में नहीं आता है तो यह जो है पौधे के पूरे बॉडी में फैल जाता है और फफूंद जो है जैसे ही पौधे का रस चूसता है तो यह जो टेक्निकल है उसके अंदर चला जाता है और फफूंद जो है पूरी तरह से मर करके ख़त्म हो जाता है। तो यह दोनों तरीके से काम करता है, सिस्टेमिक तरीके से भी काम करता है और कॉन्टैक्ट बेस पर भी जो है यह काम करता है। बात करें इसके डोज की तो इसका डोज जो है हर फसल के लिए अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप इसका स्प्रे गन्ने में कर रहे हैं तो आपको गन्ने में जो है कम से कम 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं यदि आप आलू की खेती करते हैं तो आप आलू की फसल में जो है 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यदि आप मूंगफली की फसल लगाते हैं तो मूंगफली में जो है 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय कोई फसल लगाते हैं तो अपनी सब्जियों में जो है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निकल का इस्तेमाल जो है आप अपनी फसल में जो है सुरक्षात्मक दृष्टि भी कर सकते हैं और उपचारात्मक दृष्टि भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप आलू की खेती करते हैं तो आपकी आलू की फसल में जो है अगेती झुलसा, पछेती झुलसा और ब्लैक स्कर्ब बीमारी का अटैक होता है तो इन तीनों बीमारियों के अटैक को ख़त्म करने के लिए जो है आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सुरक्षात्मक दृष्टि से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फसल में किसी बीमारी का अटैक नहीं हुआ है तो आप जो है यदि बीमारी आने के पहले ही यदि आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का स्प्रे जो है कर लेते हैं तो आपकी फसल में जो है फंगस बीमारी का अटैक नहीं होता है। आलू की फसल को जो है पाले से बचाने के लिए सबसे अधिक जिस टेक्निकल का इस्तेमाल किसान करते हैं वह टेक्निकल है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%। और इस टेक्निकल का इस्तेमाल जो है पाला पड़ने से पहले ही किसान कर लेते हैं तो जब पाला पड़ता है तो पाले का जो है असर फसल पे नहीं पड़ता है और फसल जो है पूर्णतः आपकी बच जाती है। और इसका इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि मान लीजिए आपकी फसल में जो है लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट का अटैक हो गया है
तो इस रोग के यदि शुरुआती लक्षण आपकी फसल में दिख रहे हैं तो उसी समय जो है इस दवा का इस्तेमाल करना ठीक रहता है। यदि रोग के बहुत अधिक प्रभाव फसल में देखे जा रहे हैं तो उस समय जो है किसी दूसरे टेक्निकल का आप यूज करें, इस टेक्निकल का यूज न करें। इस टेक्निकल का जो है आलू की फसल में उस समय यूज करें जब फसल में जो है रोग के लक्षण शुरुआती हों और बहुत कम मात्रा में जो है फसल को नुकसान हुआ हो। यदि उस समय जो है यदि आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो फसल से जो है बीमारी का अटैक कम हो जाता है और सुरक्षात्मक दृष्टि से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट जो है आपको 10 से 12 दिनों का मिलता है और पहला स्प्रे करने के जो है 10 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे भी जो है इस दवा का अपनी फसल में कर सकते हैं। और इस दवा का जो है फाइटोटॉनिक प्रभाव भी फसल में देखा जाता है। जैसे ही आप किसी फसल में जो है इसका स्प्रे करते हैं तो उस फसल में जो है हरियाली आ जाती है और यहाँ तक कि जो है पौधे की जड़ों का विकास भी अच्छी तरह से होने लगता है। यानी कि देखा जाए तो फंगस को तो कंट्रोल करता ही करता है, साथ में जो है फसल में टॉनिक का भी कार्य करता है। और इसका इस्तेमाल आप आलू के अलावा जो है टमाटर में भी कर सकते हैं। टमाटर में भी अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट बीमारी का अटैक होता है और इन दोनों फसलों में जो है इस टेक्निकल की जो मात्रा रखनी है वह रखनी है 400 ग्राम प्रति एकड़ और पानी की मात्रा रखनी है 200 लीटर। और इसका इस्तेमाल आप सब्जी वर्गी फसल में भी कर सकते हैं। और सब्जी वर्गी फसल में जो है अक्सर आप देखते होंगे कि अल्टेनिया ब्लाइट का अटैक होता है, एंथ्रेक्नोज का अटैक होता है, फलसरण की समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या आती है, तनासरण की समस्या आती है, डाउनी मिल्डू आता है आपकी फसल में और अगेती झुलसा का अटैक होता है, लीफ स्पॉट का अटैक होता है। तो इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी जो है आप सब्जी वर्गी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जी वर्गी फसल में जो है इसकी डोज रखनी है हमको 300 ग्राम प्रति एकड़ और पानी की जो मात्रा रखनी है 150 से लेकर 200 लीटर। यदि आप 300 ग्राम मात्रा लेकर के जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल से जो है इन रोगों का कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और इसका इस्तेमाल आप यूरिया के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फसल में जो है यूरिया देने जा रहे हैं तो आप यूरिया में जो है 500 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% लेकर के जो है अच्छी तरह से यूरिया मिला लीजिए और आप अच्छी तरह से फसल में छिट्टा लगा दीजिए। तो आप इसका इस्तेमाल जो है आप जड़ भाग में देकर के भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप डेंचिंग के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि पौधे की जड़ भाग में भी देकर कर सकते हैं। क्या करिए कि आप जो है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% ले लीजिए और उसको जो है 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से जड़ भाग में जो है डेंचिंग कर दीजिए। तो आप इसका इस्तेमाल डेंचिंग के रूप में कर सकते हैं क्योंकि आप देखते होंगे कि यदि बैंगन की आप खेती करते हैं तो आपकी बैंगन की फसल में जो है फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक होता है। तो फ्यूजेरियम विल्ट में क्या होता है कि पौधा पूरी तरह से जो है सूख जाता है, यानी उकठ जाता है, इसको उकठा रोग भी कहते हैं। तो इस रोग से बचाने के लिए जो है किसान क्या करते हैं कि पौधे की जड़ में जो है फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है फ्यूजेरियम विल्ट के लिए कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप अंगूर की खेती करते हैं तो आपकी अंगूर की फसल में जो है डाउनी मिल्डू पाउडरी मिल्डू का अटैक होता है तो आप अंगूर की फसल में जो है बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके जो है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी सभी तरह की फसलों में जो है रोग को कंट्रोल करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी तरह की फसलों में जो है सुरक्षात्मक के लिए भी कर सकते हैं और उपचारात्मक के लिए भी कर सकते हैं। प्याज की फसल में आप देखते होंगे कि पर्पल ब्लास्ट बीमारी का अटैक होता है तो आप पर्पल ब्लास्ट के लिए प्याज की फसल में जो है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का इस्तेमाल कर सकते हैं। झुलसा बीमारी का अटैक आपकी प्याज की फसल में होता है तो झुलसा के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपकी मिर्च की फसल में जो है एंथ्रेक्नोज बीमारी का अटैक होता है तो एंथ्रेक्नोज के लिए भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कपास की फसल में जो है पत्ती का धब्बा बीमारी आती है तो अपनी कपास की फसल में भी जो है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यह हर तरह की फसल में इस्तेमाल करने के लिए योग्य है और सभी तरह की फसलों में इसका इस्तेमाल करके जो है फंगस से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो यह जो है बहुत ही बेहतरीन दवा है। आप अपनी सभी तरह की फसलों से बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।